हेलो एवरीवन, दिस अर्पिता कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने डिस्कस करना है आज हेल्थ की कंपोनेंट है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। कहते हैं हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ अ इंडिविजुअल, इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहते हैं हेल्थ का केवल ये मतलब नहीं होता कि अगर हम डिजीज फ्री हैं तो इट मीन्स हम हेल्थी हैं। मतलब अगर हमारे कोई बीमारी नहीं है तो इट मीन्स हम ये कह देंगे हम हेल्दी पर्सन है। कहता है हेल्दी पर्सन केवल वही होगा जो फिजिकली भी, जिसका जो साउंड है और मेंटली भी साउंड है। अगर आपकी जो स्टेट है वो मेंटली और फिजिकल दोनों ही वेल है, दोनों ही साउंड है, तभी आप कह सकते हो, तभी हम कह सकते हैं कि आप हेल्दी पर्सन हो। कहता है गुड हेल्थ इंप्लाइज द फॉलोइंग, इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क। कहते हैं अगर एक इंसान हेल्दी है, अगर गुड हेल्थ होगी तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने में। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तीसरा, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज़, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी काम वो करना चाह रहा है, यानी मेंटली जो काम उसको करना पड़ रहा है दिमाग से, एक तो वो एक क्वेश्चन को लेके बैठा है, जैसे कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चे, तो कहते हैं वो कुछ सोचते रहते हैं, सोचते सोचते उनका दिमाग कहीं कहीं चला जाता है, फिर वो एयरफोन्स लगा के बैठ जाते हैं तो उस गाने में घूमते रहते हैं, फिर जैसे ही उसको हटाते हैं और एकदम से जब निकालने बैठते हैं ना, वो दो मिनट में निकल जाता है वो क्वेश्चन। तो कहते हैं अगर आपका मेंटल कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है, अगर आपकी मतलब कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल सही ढंग से बैठे हो, कहीं पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, कोई चोट नहीं लग रही आपको, या आपका मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम होगी या आसपास कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप उस काम को जल्दी कर पाओगे। यानी आपकी अगर मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर आप हेल्दी पर्सन हो, गुड हेल्थ है आपके पास, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी आ रही है वो इंक्रीज होती है, और ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने में। फिर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो इंक्रीज हुई हैं। कहते हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, और डेथ रेट कम होने का मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। 27 per 1000 थी जो 1951 में, 2017 में वो 6.3% रह गई है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारी रिड्यूस हुई है, यानी कि जो बच्चे थे, बच्चों के अमर होने की संख्या, यानी कि जो बच्चे कम एज में, यानी एक साल से कम वाली एज के जो बच्चे मरते थे, वो 146 per 1000 थे 1951 में, और अब 32 रह गए हैं पर 1000 2017 में। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी राइज हो गई है, 32 ईयर्स थी 1951 में, अब वो 69.4 यानी 70 के करीब हो गई है 2018 में। फिर कंट्रोल और डेडली डिजीज, ऐसे डिजीज जिनका कोई इलाज नहीं था, कि उनको हम ये कहते थे कि अगर वो बीमारी होगी तो इट मीन्स मरना ही पड़ेगा, मतलब कि मर ही जाएगा अगर किसी इंसान को है, उनका इलाज पा गया है, जैसे कि टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया एट्सेट्रा। फिफ्थ में कहते हैं डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी की रेट में भी डिक्लाइन आया है, जो पहले 248 per 1000 थी 1960 में, वो अब 39 per 1000 रह गए 2017 में। तो ये कहना चाह रहा है इन ये सभी क्या शो कर रहे हैं, ये सभी शो कर रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हुई है, एनहांस हुई है। मेडिकल कॉलेज जहाँ 1951 में 28 थे, 2017 में वो 460 हो गए। ऐसे ही जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल थे वो 9209 थे 1951 में, 2017 में उनकी कितनी काउंटिंग हो गई है, 55223। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स जो 1951 में 725 थे, वो 1,87,505 हो गए। नंबर ऑफ बेड्स जो हॉस्पिटल में थे, प्राइवेट और पब्लिक में, 3.2, और अब कितने हो गए, 13,76,013। डॉक्टर्स जो थे वो 61,840 थे 1951 में, अब 18,15,063 हो गए। और जो नर्सेज हैं वो 18,054 थी, अब 28,21,815। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन 1.7 अवेलेबल थे, और अब 13.96 अवेलेबल हैं। यानी हमने जो डाटा कंपेयर किया है, ये 1951 का डाटा 2017 के डाटा के साथ कंपेयर किया, तो ये अलग से दिखा रहा है कि हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो क्या हुई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं, और उनकी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर, यानी हमारी हेल्दी पर्सन बन गए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो गई है, डेडली डिजीज़ के